हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नॉन सिक्वेंशियल लोकेशंस। और किसी भी ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में हिरार्चिकल रिलेशनशिप होता है। जैसे एक हिरार्की बनती हुई दिख रही है इस ट्री में, एक ट्री का एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पर कोई डायरेक्टर होगा टॉप लेवल पर। टॉप डायरेक्टर के अंडर में बहुत सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंडर में बहुत सारे क्लास कोऑर्डिनेटर्स होंगे, क्लास कोऑर्डिनेटर्स के अंडर में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, और इस तरह से पूरी हायरार्की बनती चली जाएगी। तो इस तरह का जो भी डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ये ट्री का एग्जाम्पल लिया गया है। इस ट्री में बहुत सारे नोड्स हैं जिसको हमने सर्कल से दिखाया है, और इन नोड्स को जिन लाइन से कनेक्ट किया गया है उसको एज बोलते हैं। तो ये कुछ ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले जो पहली टर्मिनोलॉजी है पैरेंट। इस ट्री में पैरेंट क्या है? किसी भी नोड का जो इमीडिएट प्रेडिसेसर नोड है उसको उसका हम पैरेंट बोल देते हैं। जैसे नोड डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर नोड कौन सा है? ए, यानी डी का पैरेंट हुआ ए। तो हम पैरेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ अ नोड इज कॉल्ड द पैरेंट। तो इस तरह एग्जांपल के लिए डी का पैरेंट ए है, आई के पैरेंट डी है, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है चाइल्ड। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अ नोड इज कॉल्ड चाइल्ड, इट्स चाइल्ड। जैसे डी का चाइल्ड है आई, डी का चाइल्ड है जे, आई का चाइल्ड है एम। तो इस तरह हम चाइल्ड को डिफाइन कर सकते हैं। रूट नोड ऐसा नोड पूरे ट्री का जिस नोड का कोई पैरेंट ना हो उस नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। तो इस ट्री में नोड ए है जिसका कोई पैरेंट नोड नहीं है, तो हम इस नोड को रूट नोड कहेंगे। और रूट नोड का जो लेवल होता है, हम ट्री में लेवल नंबरिंग असाइन कर सकते हैं नोड्स को। जो रूट का लेवल होता है उसको हम जीरो लेवल बोलते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल है, इस पर तीन नोड्स हैं, इसको हम लेवल वन कहेंगे, इसको लेवल टू कहेंगे, इसको लेवल थ्री कहेंगे। इस ट्री में 0, 1, 2, 3 इतने लेवल्स हैं। जिस भी नोड का कोई पैरेंट नहीं होगा उसको हम रूट नोड कहेंगे, और उस का जो नंबर होता है हमेशा जीरो लिया जाता है, लेवल जीरो नंबर। तो इस ट्री का रूट नोड है हमारा ए। व्हाट इज एच? किसी भी नोड को, या आप कह सकते हैं कि किसी भी पेरेंट को उसके चाइल्ड से कनेक्ट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज एच। बहुत सारी एजेस हैं यहां पर। जैसे ए से सी को कनेक्ट किया गया एक एज है, सी से एच को कनेक्ट किया गया इसको भी एच कह सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लीफ नोड। व्हाट इज लीफ नोड? लीफ नोड को हम टर्मिनल नोड्स भी कह सकते हैं। ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो, या अ नोड हैविंग नो सक्सेसर इज कॉल्ड लीफ नोड्स। तो इस ट्री में लीफ नोड्स, ई नोड ई जो है उसका कोई चाइल्ड नहीं है, के का कोई सक्सेसर नहीं है, एल का कोई सक्सेसर नहीं है, जी का, एच का, एम, एन और जे का कोई सक्सेसर नहीं है। तो ये हमारे लीफ नोड्स हैं। तो इस ट्री के जो लीफ नोड्स हैं वह है ई, के, एल, जी, एच, एम, एन और जे। क्योंकि इनकी कोई चाइल्ड नहीं है तो इनको हम लीफ नोड्स कहेंगे। और लीफ नोड्स को हम एक्सटर्नल नोड्स भी कह सकते हैं या टर्मिनल नोड्स कह सकते हैं। एक्सटर्नल नोड्स या लीफ नोड्स के अलावा जितने भी नोड्स हैं एक्सेप्ट रूट नोड, उन सारे नोड्स को हम इंटरनल नोड्स बोलेंगे। जैसे इस ट्री में ई, सॉरी ई तो लीफ नोड है, एफ इंटरनल नोड है, बी इंटरनल नोड है, सी इंटरनल नोड है, आई इंटरनल नोड है, डी इंटरनल नोड है। तो इन नोड्स को हम इंटरनल नोड्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज डेप्थ ऑफ अ नोड। डेप्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी नोड का जो डेप्थ होगा इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट नोड।
ऐसे नोड बी का जो डेप्थ है रूट नोड से हम जो एज है इसका काउंट करेंगे वन, यानी बी की डेप्थ हो गई वन। ई की डेप्थ रूट नोड ए है हमारा, एक एज दूसरी एज, दो लेंथ है यहां तक पहुंचने की ई की, तो हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ ई इज टू। इस तरह से एल का डेप्थ हो गया वन टू थ्री। डेप्थ ऑफ अ नोड इज नंबर ऑफ एजेस उस पाथ में जितने भी होंगे रूट से पहुंचने तक उस नोड तक, उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ अ नोड। पाथ, पाथ को हम कह सकते हैं कंजीक्यूटिव नोड्स का जो सीक्वेंस होता है उसको हम कह सकते हैं पाथ। तो इस ट्री में हम कह सकते हैं ए डैश बी एफ डैश एल, ये हमारा एक पाथ है। दूसरा पाथ हो सकता है ए डैश सी डैश एच। इस तरह से कई सारे पाथ पॉसिबल हैं इस ट्री में। अब पाथ के डेफिनेशन के बाद आता है नेक्स्ट ब्रांच। अगर ट्री में कोई पाथ, और पाथ हमेशा हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट से, रूट नोड से, अगर कोई पाथ एंड होता है लीफ पर, अ पाथ एंडिंग इन अ लीफ इज कॉल्ड ब्रांच। तो इस ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक पाथ है हमारा ए बी ई और ई हमारा लीफ है, तो अगर कोई पाथ एंड होता है किसी लीफ पर तो उसको हम कहेंगे एक पाथ। एक दूसरा पाथ ये है क्योंकि एक लीफ के है यहां पर एंड हो रहा है, तीसरा पाथ, चौथा पाथ, इस तरह से इस ट्री में बहुत सारे पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पाथ की डेफिनेशन हो गई, सॉरी ब्रांच की डेफिनेशन हो गई, अ पाथ एंडिंग इन अ लीफ इज कॉल्ड ब्रांच। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इस तरह से इसमें। व्हाट इज लेवल, लेवल नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी ट्री में रूट का लेवल जीरो लिखते हैं, उसके बाद उसके जितने भी नेक्स्ट नोड्स हैं लेवल के उनको हम लेवल नंबर वन देते हैं, नेक्स्ट लेवल फिर उसका टू होगा, इस तरह की लेवल की नंबरिंग करते हैं। हाइट, हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट को डिफाइन करते हैं हाईएस्ट लेवल नंबर। इस ट्री का हाईएस्ट लेवल नंबर क्या है, थ्री, तो हम कहेंगे कि हाइट ऑफ दिस ट्री इज थ्री। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर्स या सिस्टर्स बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसी ट्री में। तो अगर हम कहें व्हाट आर द सिबलिंग्स ऑफ एफ, तो एफ का पेरेंट कौन सा है, बी, यानी बी के कितने चाइल्ड हैं, ई एफ और जी। तो अगर कई सारे नोड्स के सेम पेरेंट हैं तो वो नोड्स आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिबलिंग्स ऑफ एफ, तो आप कहेंगे एफ के सिबलिंग्स कौन से हैं, ई और जी, क्योंकि ये सेम पेरेंट के चाइल्ड हैं ये सारे। सेम पेरेंट के जो चाइल्ड होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ नोड, यहां पर लिखा हुआ डिग्री ऑफ अ नोड नेक्स्ट टर्म। किसी नोड की डिग्री बताती है कि वो नोड कितने चाइल्ड, अ नोड, डिग्री ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ चाइल्ड इट हैज। एग्जाम्पल के लिए नोड बी की डिग्री क्या है, थ्री, क्योंकि इसके थ्री चाइल्ड है। नोड सी की डिग्री वन है क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है। नोड एम की डिग्री है जीरो क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। डिग्री ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ चाइल्ड इट हैज। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें डिग्री ऑफ बी इज थ्री क्योंकि इसके तीन चाइल्ड है। तो ये तो हुआ डिग्री ऑफ अ नोड। लेकिन अगर हम बात करें डिग्री ऑफ द ट्री, इस ट्री की डिग्री क्या है, तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि इस पूरे ट्री में जितने नोड्स हैं, जिस भी नोड की डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसी को हम ट्री की डिग्री मान लेते हैं। तो इस पूरे ट्री में सबसे ज्यादा डिग्री बी की है या ए की है, यानी कि थ्री है डिग्री मैक्सिमम, तो डिग्री ऑफ द ट्री इस ट्री की थ्री होगी। तो ये कुछ ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम यूज करते हैं कंसेप्ट में अपने। फिर अगली बात आती है कि क्या इस ट्री में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन है कि एक नोड के तीन चाइल्ड है, फोर चाइल्ड हो सकते हैं, फाइव चाइल्ड हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ लगा सकते हैं। अगर इस ट्री में हम कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि ट्री के मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, किसी भी नोड के मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, तो उस ट्री को हम बोलेंगे बाइनरी ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या है और उसमें कौन कौन से, और उसका रिप्रेजेंटेशन
पहले वीडियो में बता चुके हैं हम, उसमें कौन कौन से और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या उसका यूज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।